हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर कहीं जा रहे हैं क्योंकि हम अभी वेले और रखे छुट्टियाँ रखी हैं, तो अब हम जू जा रहे हैं। आज हम दोनों प्लान किया है, मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने एज यूजुअल, क्योंकि हम लोगों ज़िंदगी में दूसरे के अलावा कोई है नहीं। तो हम लोगों ने प्लान किया आज हम जू जा रहे हैं। एक ही जू बचा दिल्ली में, ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं, जो है प्रगति मैदान में है ना। हाँ, वहीं पर हम वहाँ जा रहे हैं, जूलॉजिकल पार्क। तो हम मेट्रो जा रहे हैं और अब हम वहाँ मिलेंगे, उसके बाद हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, हारनेंगे, वो हम आपको बताते रहेंगे। सो आज मैं अपनी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करती हूँ, माय बेस्ट फ्रेंड। सो अब हम आपको वहाँ मिलते हैं। ओके बाय। फाइनली हम सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं और हम देखते हैं अब जू कैसे जाना है। हमको कुछ नहीं पता, हम बस हारते रहते हैं, हमको कुछ भी नहीं पता, लेजिट कुछ नहीं पता। अब देखते हैं कैसे जाना है। आई गेस हमारी टिकट, लाइक जू की टिकट 80 रुपीज़ है। फिर वहाँ जाके देखते हैं। दो टाइमिंग्स होती हैं, सुबह 8:30 से 12 और फिर 12:30 से 4:30। ऐसे तो नहीं, हमने शाम को चूज़ किया, धूप आ गई ना। वहाँ जाके मिलते हैं, आपको जानवर दिखाएंगे अच्छे अच्छे हम भी तो ही हैं। फाइनली हम ऑटो में बैठ गए, 30 रुपये सवारी पर पर्सन है, उसको आना हो ज़्यादा पैसे की जरूरत। बट गाइस, लाइक हमने अपना ओन लिया तो वी आर पेइंग 60 और 70 आई डोंट नो, पर पैसे आप शेयरिंग में जाओगे ना 30 और 40%। या देखिए गाइस, फैशन इन्फ्लुएंसर, मुझे चश्मे लगे, मैं तो शेड पहन नहीं सकती। और हमारी बेस्ट फ्रेंड का फैशन ख़त्म नहीं होता है। कौन ही आया होगा, बट यहाँ पे तो अंधाधुंध भीड़ है भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ है क्या ही बताएं। मे भी बहुत अच्छा वीकेंड, बहुत ऐसे लग रहा है फ्री पर चार बार इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे सब घर से खाना मिला है, मेरे को पैसे बर्बाद करने पड़ेंगे। वो एंट्री कर रहे हैं, रोम अराउंड यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं टिकट के लिए। रुको मैं दिखा रही हूँ, बेस्ट हमें मिले टिकट, मतलब मिल जाएगी। गोट को पुराना किला भीड़ दिखाते हैं। ये देखो गाइस, इतनी भीड़ है गाइस। जूलॉजिकल पार्क में इतना एडवांस हो चुका है, ऑनलाइन टिकटें बुक हो रही हैं। वो तो सिर्फ एंट्री की लाइन थी, ऑनलाइन बुकिंग का प्रोसीजर तो अलग ही चल रहा है भाई, उसकी अलग भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। पहले टिकट बुक करके आओ अगर यहाँ घूमना है तो। गाइस, आप सोच रहे होंगे हम क्यों ही आए हैं जूलॉजिकल पार्क, इसके कारण, इसके बचपनों के शौक के कारण मेरे को यहाँ आना पड़ा है। यहाँ पे मेरे को कोई शौक नहीं है जानवर देखने का, मैं बचपन में बहुत देख चुकी हूँ, लेकिन इसने 21 साल की लड़की ने आज तक एक जानवर नहीं देखा है। मेरे को इसको जानवर दिखाने यहाँ आना पड़ रहा है, और इतनी लंबी लंबी लाइनों में, चार लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे, लेजेंड चार लाइन। पता नहीं किस कौन से लोग इनको जानवर देखने का शौक हो रहा है, इसके जैसे ही है। मैं बचपन में जानवर नहीं देखे, ये जो अपने बच्चों को जानवर दिखाने आया, मैं 7 years पहले देखा था बचपन में, नहीं देखा, मैंने 6 years पहले देखा है। So funny, she is my chimpanzee and she is my giraffe. Okay इतने पता नहीं क्या इतनी लाइनें क्यों लगी हुई है सिर्फ जानवर देखने के लिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इससे मिल लो यार, अभी से हमें स्वैंस दिख गई हैं एंड आई लव स्वैंस, आई जस्ट लव स्वैंस, दे आर सो प्रिटी। यू वांट टू सी स्वैंस गाइस, हम आपको स्वैंस दिखाते हैं, रुको। उस साइड पे जाना पड़ेगा। हाँ, अभी हम पूरा घूम के पहले स्वैंस आई गेस लास्ट में आती हैं, हम स्वैंस बाद में दिखाते हैं, अभी हम पहले जाएंगे और देखेंगे फिर दिखाएंगे। okay, like, आपको, ठीक है?
हाँ रास्ता अपने आप बना हुआ है, वहीं वहीं चल के जानवर देख के आपको भी दिखाएंगे। हम दोनों को तो देख चुके हैं, अभी बाकी भी देखेंगे। ठीक है ये देखो गाइस, मैं आपको बंदर दिखाता हूँ। ये देखो गाइस आई लव यू। एक बार फिर से बोलियो। बट ये ब्लैक स्वान बेचारी के लिए बोर नहीं हो रही होगी, तो कंपनी करना चाहती है उसको। थैंक यू तेरे को अंदर रेसिस्ट। मैंने तो कोई रेसिस्ट कमेंट भी नहीं किया, बदतमीज है बहुत ज्यादा। गाइस आप यहाँ पे ये व्हीकल भी ले सकते हो ट्रैवलिंग के लिए, मतलब जो जिनके पैर वो जल्दी थक जाते हैं। गाइस ये देखो, ये सारे जानवर तुमको यहाँ मिलेंगे। अब इसको भी छोड़ के जाऊंगी, अगली बार ये भी मिलेगी। स्वैम डियर क्या होता है? गाइस देखो डियर, अरे एक और जानवर था, कहाँ गया ये भी कोई जानवर। हाँ यहाँ पे पिकॉक भी है, ये देखो अभी हम दिखाते हैं क्लोज जाके, अगर ये पास से दिखते हैं तो। गाइस कोई तो चिड़िया, मैं नाम भूल गई इसका, क्या कहते हैं इसको, जो भी है गाइस प्रिटी लग रहा है, वेरी प्रिटी। बिना जंगलों में जाते हुए जंगलों के बीच में आया है। गाइस आपको चिड़िया दिख रही है, ये मछली खाती है, वो वाली है चिड़िया ना। यहाँ पे भी है रेड चोंच वाली, और वहाँ पे भी है बहुत सारी बैठी ऊपर। गाइस सी देयर आर सो मेनी टियर्स। बारहसिंगा इनका सींग है ना, ये बारहसिंगा गाइस। Oh, they're so pretty. ये देखो गाइस इसकी बम्पी भी दिख रही है। See guys, a lot more close up. See so many deers. Guys, these are like sambar deer. Sambar. Guys, ये देखो। So many tears again. पता नहीं कौन से वाले हैं। चार सिंह हैं इनके स्पेसिफिकली। ये वाले डियर है ये। इनका जो सर का यूनिक स्टाइल है, उनके बेसिस पे इनका नाम है। गाइस ये मेरी तरफ ही देख रहा है, ये तो सो रहा है, कुछ तो कर रहा है। ये है हिमालयन ब्लैक बियर। गाइस आई फील लाइक ये भालू डिप्रेशन में हमारी तरह। आई फील द वाइब विद हिम, आई डोंट नो व्हाई, है ना डिप्रेशन में लग रहा है ना, वो सीरियस डिप्रेशन में है, हमें दिख रहा है। हमारी तरह आई सी है ये भी। मेरे को भी अंदर जाना है, मेरे को घर नहीं जाना। गाइस ये देखो लायन कितना सही लग रहा है, वहाँ पे लायन है इस बंदा उस गेट के पीछे, लायन यहाँ पे है। गाइस हाथी डा 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 हाथी, वो उसकी बीवी, दोनों सूंड हिला हिला के बातें कर रहे हैं। गाइस गाइस बंदर यहाँ पे भी बंदर है, मेरे साथ भी बंदर है। गाइस बंदर देख के मुझे याद आया एक इंसिडेंट, जब मैं वृंदावन में थी ना, तो वहाँ पे मतलब वृंदावन गई थी, तो वहाँ पे एक बंदर, मैं चश्मा ले गया था,
लेकिन मेरे पापा ने उसे फ्रूटी दी तो बंदर सब कुछ मतलब वापस कर जाते हैं अगर आप उन्हें कुछ देते हो ना खाने का सही होता है। लेकिन जब उसने मुझे चश्मा वापस किया ना तो मेरे चिक्स पर किस करके चल गया था। क्या ही बुरा हो सकता है इंसान के साथ, ये बुरा हो सकता है। ये आइस बाथ ले रहे हैं पानी में मुंह डाल के। गाइस द गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फाइट, द गर्लफ्रेंड ऑलवेज विंस। दे आर सो प्रिटी द वाइट डियर, वाइट बक, दे फाइटिंग अगेन। पक्का गर्लफ्रेंड जीतेगी, याद रखना। गाइस इतना चल चल के मेरी टांगे दुख गई। अभी मेरी दोस्त पता करने गई है कि अब हमें आगे कहाँ जाना है, क्योंकि मेरी हिम्मत खत्म हो गई है। मैं और जानवर नहीं देख सकती, प्रॉब्लम अब मैं बाहर निकलूँगी और कहीं बैठूँगी तो खाऊंगी। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे समझ नहीं आती मैं बिना ब्रेकफास्ट करके कैसे निकल आती हूँ। मैं तो चेंज में यहाँ पे पता करते हैं, देखते हैं अगर शायद क्रोकोडाइल देखेंगे मैक्स, फिर हम वापस चलेंगे कहीं और कुछ खाने भूखे लिए। सो गाइज उसके बाद हमने रास्ते में बहुत सारे एनिमल्स देखे या बर्ड्स देखे जो भी आ रहे थे, जब तक हमें हिरन का फेवरेट एनिमल नहीं दिख गया था शेर। सो हियर आर द ग्लिम्स ऑफ दोज बर्ड्स एंड द एनिमल्स वी सॉ इन बिटवीन द वे। गाइस फाइनली हिरन की इच्छा पूरी हो चुकी है और हमें टाइगर दिख चुका है। व्हाट व्हाट हाउ इज हॉट बेटर इन द लायन। ओके गाइस इतने कपल्स हैं ना यहाँ पे और मेरे को और मैं इसके साथ आ रही हूँ। स्टॉप इट स्टॉप इट हिरन बैठे कपल्स की तरह थोड़ी देर। She's gonna kill me in a days or two. I know it. Guys, leopard. अभी तक सबसे active यही लग रहा है। Oh my God, it's so pretty. Guys, porcupine. I've never seen a porcupine, and they look kind of cute. Nice tiger. But अभी भी यहाँ पे white tiger तो नहीं है, यही tiger. Guys, finally we have made it through. इसको सारे जानवर दिखा दिए हैं और अब हम बाहर जा रहे हैं और सबसे पहले जाके कुछ खाएंगे क्योंकि हमारी आत्मा निकल रही है and we are so hungry. So finally the journey is done. अब देखते हैं कहाँ जाएंगे या घर जाएंगे, क्या करते हैं, आपको अपडेट रखेंगे। गाइस फाइनली हमने मोमोज खाने का डिसीजन लिया है और टेस्टी लग रहे, कैसे हैं? बढ़िया, हम मोमोज खाएंगे। गाइस हम बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हैं। जाके कॉफी पियेंगे तो अब हम राजीव चौक की तरफ। अब हम सीधे जाके आपको मिलते हैं। गाइस अगर आपको पतले होने का शौक है ना तो ऐसी फ्रेंड बना लो, ये रिक्शा नहीं करने देती और पागलों की तरह चलाती रहती है, कार्डियो भी होता है, पैसे भी मिलते हैं। कभी कभी मतलब ये मेरे पे तरस खा ले, ये खुद तो पतली सी है, इसको पता कि मैं थोड़ी हेल्दी और मेरे से चला नहीं जाता, तब भी जबरदस्ती खींच खींच के लेती जाती है। हाँ तो ही तो मेरे को अगले हार्ट अटैक से बताएगी। गाइस वी हैव कम टू द ओल्डेस्ट कॉफी प्लेस इन सीपी, द कॉफी होम। एंड मैं आई हूँ यहाँ पे काफ़ी बार बट इन्होंने काफ़ी अच्छा रेनोवेट कर दिया है। वी टेल शो यू सी गाइस, इट हैज़ बिकम अ वेरी प्रिटी प्लेस टू बी ऑनेस्ट। ये काफ़ी पुरानी हुआ करती थी
Guys, we ordered this. Like, we had quite nice menu, but we have ordered one cutlet and one vada sambar. अब देखते हैं कैसा होता है, टेस्ट टेस्ट करेंगे अभी. Guys, I feel like it's quite nice place to have like light शाम का meal, इडली सांभर. साउथ इंडियन ज़्यादा है यहाँ पे. प्लस फिल्टर कॉफ़ी इज ऑलवेज द फेमस पार्ट हियर एंड आई रियली लाइक द फिल्टर कॉफ़ी. बट हेलन को पसंद नहीं आई बिकॉज शी डजंट लाइक उसको. आई लाइक ब्लू कॉफ़ी. या ही शी लाइक्स ब्लू कॉफ़ी तो उसको इतनी पसंद नहीं है. बट आई लव फिल्टर कॉफ़ी एंड इट्स ग्रेट हियर. अगर फिल्टर कॉफ़ी पसंद है तो वहाँ पर मैं ज़रूर आऊँ. हम कॉफ़ी वॉफ़ी पी गए, थक थक आ गए, अब वापस घर जा रहे हैं, बहुत थक गए हैं. बट लाइक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेस्टेस्ट डे वी हैव स्पेंट टुगेदर टिल नाउ. एक्चुअली इट वाज अ ग्रेट डे कि हमने बहुत मज़े करे हैं एंड आई लव्ड इट. और अब हम बस घर जाएंगे और सो जाएंगे क्योंकि कल मुझे फिर से काम पे जाना है, मतलब कुछ ना कुछ काम के लिए जाना है, वहाँ पर भी चलना ही है. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. शेयर सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट डाउन बिलो एंड आई लव यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.